हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एसएससी जेई एग्जाम 2015 का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी इज। तो ब्रिक का साइज जो है विथ मोर्टार होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो एक मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब बाय एक ब्रिक का डायमेंशन हो गया 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 500 जो है आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक मीटर क्यूब में जो है 500 जो है ब्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नॉन एज। तो इसे हम जो है ड्रेस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट इज सेट टू बी फ्लैकी व्हेन। एग्रीगेट को हम फ्लैकी कब कहेंगे, जब जो है लीस्ट डायमेंशन जो है 0.6 टाइम जो है मीन डायमेंशन का हो, या फिर 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन हो, तब उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर फोर है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू। जिप्सम जो है सीमेंट में ऐड करते हैं, जिप्सम जो है एक रिटार्डर के रूप में काम करता है सीमेंट में, और ये जो है कंट्रोल करता है इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरी आउट टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी। तो हम स्लम्प टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्केबिलिटी। नेक्स्ट है, कंप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन है 5.5, 3.5, 10.5, 7.5। तो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग के लिए कौन सा सुटेबल है। ऑप्शन है मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, लेटराइट। तो मार्बल सॉरी स्लेट जो है डैम प्रूफिंग के लिए हम यूज करते हैं, ये जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ऑप्शन ए में है मार्बल, मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ऑप्शन बी है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है एक इग्नेस रॉक है। ऑप्शन डी है लेटराइट, लेटराइट जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज जो है ब्रिक का होता है 9x9x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेज इट्स टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। श्रिंकेज जो है श्रिंकेज के कारण जो है कंक्रीट में बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। ऑप्शन है साउंडनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेसिस्टेंस, इम्पैक्ट वैल्यू। तो इसे हम साउंडनेस कहते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट जो है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड सीमेंट के कारण जो है इसे हम साउंडनेस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्नो कैम इजा। स्नो कैम जो है एक कलर्ड सीमेंट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी कलर्ड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसनरी इज। ऑप्शन है नॉर्मल एट 30 डिग्री, पैरेलल एट 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर द कैरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीचिंग एक्शन इन कॉन्क्रीट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रीपिंग, केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। तो लीचिंग एक्शन के कारण जो है कॉन्क्रीट डिकम्पोजिशन, कॉन्क्रीट का डिकम्पोजिशन होने लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन कॉन्क्रीट मे बी मेड बाय एडिंग। ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बेरियम मैग्नेट। ऑप्शन सी है आयरन हाइड्रोक्साइड, क्रोम। ऑप्शन डी है क्रोमियम ऑक्साइड। ग्रीन कॉन्क्रीट जो है ऑप्टेन होता है क्रोमियम ऑक्साइड के एडिंग से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। साउंडनेस ऑफ सीमेंट हम टेस्ट करते हैं ली चैटलियर और ऑटोक्लेव मेथड से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ली चैटलियर एपर्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। ऑप्शन है सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर हम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम जीरो कर देंगे 0%, तो वाइट सीमेंट हमें ऑब्टेन होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन है ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट, शेप ऑफ द एग्रीगेट, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। तो फाइनेस्ट मॉडल्स जो है प्रोपोर्शनल होता है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। कोर्सर एग्रीगेट का जो है फाइनेस्ट मॉडल्स ज़्यादा होता है। फाइनेस्ट मॉडल्स ऑफ एन एग्रीगेट इज एन इंडेक्स नंबर विच इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन बर्नल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंटेटर यूज एज। ऑप्शन ए है हार्ड स्टील कोन, हार्ड स्टील बॉल, डायमंड कोन, माइल्ड स्टील बॉल। बर्नल हार्डनेस टेस्ट में हम यूज करते हैं हार्ड स्टील बॉल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन रिलेटिव टू अ गिवन मेरिडियन इज नॉन एज। ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन, रिलेटिव मेरिडियन, बियरिंग ऑफ लाइन। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू गिवन मेरिडियन को हम जो है बियरिंग ऑफ लाइन कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बियरिंग ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है द नंबर ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर द GPS सर्वे टेक्निक। तो GPS में जो है 24 जो है सैटेलाइट यूज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24। नेक्स्ट है मीन सी लेवल MSL adopted by Survey of India for reference is located at Mumbai, Karachi, Kolkata, Delhi। तो मीन सी लेवल जो है, मीन सी लेवल हम जो है मुंबई से लोकेट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मेजर करते हैं। ऑप्शन ए मुंबई।